सॉरी बाबू जो कि रिया चक्रवर्ती ने कहा था उस पर बड़ा बवाल हुआ था। अब इस चीज पर रिएक्शन दिया है रिया चक्रवर्ती ने। जी हाँ, क्यों उन्होंने सुशांत को देखकर सॉरी बाबू कहा, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती पहली बार सामने आई हैं और आकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से आधी से ज्यादा बातें लॉजिकली सेट ही नहीं हो रही हैं, लॉजिकली फिट नहीं बैठ रही हैं, ना ही प्रैक्टिकली, ना ही लॉजिकली और ना ही इमोशनली। अब मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती से हाल ही में जब पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, तब उन्होंने कहा कि मैंने सॉरी बाबू इसलिए कहा, व्हाट आर यू सपोज टू से टू अ पर्सन, और आप क्या कह सकते हैं उस व्यक्ति को जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप क्या कहेंगे उसको, आप जब मिलेंगे आप यही कहेंगे ना कि आई एम सॉरी दैट यू लॉस्ट योर लाइफ और इस तरह की बातें। तो रिया चक्रवर्ती के अकॉर्डिंग उन्होंने सॉरी इसीलिए कहा और उन्होंने उनके पैर छुए एक श्रद्धांजलि भाव से, और उन्होंने जो सॉरी कहा उसका मतलब सिर्फ इतना था कि आई एम सॉरी दैट यू लॉस्ट योर लाइफ, सिर्फ ये रीज़न था सॉरी कहने का, ये रिया का कहना है। मैं आपको बता दूं, रिया से जब पूछा गया कि कितनी देर वो मॉर्चुरी में थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि मैं 30-40 मिनट तक मॉर्चुरी में थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मुश्किल से 4-5 सेकंड तक सिर्फ मॉर्चुरी में थी, उसके अलावा मैं मॉर्चुरी में नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रिया से जितने सवाल किए गए, जहाँ जहाँ पर वो घबरा रही थी या जहाँ जहाँ पर वो हड़बड़ा रही थी, उन सारे सवालों पर उन्होंने कह दिया कि मैं इसको बचाना चाहूँगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं इस कॉन्वर्सेशन को अभी नहीं करना चाहूँगी, इन्वेस्टिगेशन में करना चाहूँगी। तो कहीं ना कहीं रिया के इंटरव्यू देने में भी बहुत सारे लूपहोल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सॉरी बाबू पर आपकी क्या राय है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।